गांव में उत्तराखंड सरकार चाय उगाती है। उस चाय में झाड़ झंकार की सफाई, निराई, गुड़ाई, खाद देने जैसे काम करने पड़ते हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र में सिरपुर चाय बागान एक ऐसा चाय बागान है जहां की ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया जाता। यह चाय पुराने जमाने से मेरे गढ़वाल के लोग पीते आ रहे हैं। साथ ही ये चाय केमिकल रहित, ताजगी भरी व स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। हमारी ये पहले से परंपराय चाय है। हम 90% आदमी इसी पे निर्भर रहते हैं, क्योंकि दुकान की चाय में केमिकल है और हमारी चाय शुद्धता के साथ अपने हाथ से बनाए और पी लेते हैं। 100 एकड़ जंगल में ये चाय बागान फैले हैं। इनके आसपास पेड़ पौधे हैं और चाय के पौधे और पेड़ हैं। इन जंगली अन्य पेड़ों से ही चाय के पौधे को मिलती है जैविक खाद और शेडिंग यानी छांव। इस चाय को भले सीधे जंगल से लाया जाता हो, लेकिन उपयोग करने के पहले इसकी लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। स्थानीय चाय की बनाने की पूरी प्रक्रिया, इसको सबसे पहले हम जंगल में जाते हैं, उसको तोड़ ताड़ के लाते हैं, उसके बाद हम घर में इसको थोड़ा बहुत धूप में सिखवाते हैं। उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा साधन तो है नहीं कि हम मशीन में इसको पीस लें, लेकिन हम उसको पैरों से मड़ाई करके उसके बाद उसको थोड़ा सेत लगा के और उसके बाद उसको सुखाया जाता है। उसके बाद उसको यूज करने के लिए केतली में डालने से पहले हम उसको तवा में थोड़ा बहुत भून भान के उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। इस जंगल से हर साल चाय पत्ती का चुगान होता है। 7 गांव के 600 से ज्यादा परिवार इन जंगलों से चाय लेकर आते हैं। प्रत्येक गांव से लगभग एक एक दो दो नागरिक इस समिति में होते हैं, जिनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने गांव के लोगों को यहाँ नुकसान पहुँचाने से रोके। और जब चाय की उपज होगी वर्ष में 2 बार, एक तो बसंत ऋतु के समय पर, दूसरा बरसात के समय में जब चाय पर कलियाँ निकलती हैं, उस दौरान सामूहिक रूप से इसकी ओपनिंग होती है और सारे गांव के लोग, परिवार वाले, यहाँ जिसकी जितनी इच्छा है, जितनी जिसकी क्षमता है, इस चाय की चुगान करते हैं। मुझे लगा कि उत्तराखंड चाय को सिरपुर के लोगों से इस चाय को बनाने की तकनीक को सीखना चाहिए और सरकारी बागानों को प्रबंधन के गुण सीखकर अपना उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैंण से मैं लक्ष्मी नौटियाल।